मैं थोड़ा अपना राजा बनेगा। बहुत प्यार ते सत्कार तुसी मैनू लोगों ने दिता और मैं वो प्यार ते सत्कार जिंदगी च भुला नहीं सकता, मैं थोड़ा देना नहीं दे सकता। मैं कदे कदे सोचना है क्योंकि बचपन च परिवार का चले जाना, माता का चले जाना, बाप का चले जाना, ये बड़ी औखी घटना है जिंदगी के वास्ते, मेरे वास्ते। बंदे नूं लगता कि कोई कमी नहीं है, पर बहुत वड्डी कमी सी मेरे वास्ते जिंदगी जीण वास्ते। पर वो वड्डी कमी नूं मेरे लोगां ने, मेरे प्यारे लोगां ने उन्हूं मैनूं प्यार दे दे के उन्हूं बहुत छोटा करता। उस कदे कदे मैं महसूस करता भी कोई कमी रही नहीं, खास करके वो मेरिया मावां गिदड़ बागियां, वो मेरे भरा भी, मैं तो थोड़ा देना नहीं दे सकता। दोस्तों जे तुसी मेरे चम दियां जुत्तियां भी बना लो ना तो मैनू लगता कि फिर भी थोड़े प्यार दे सामने वो छोटियां पै जाए। सो आज फिर इम्तिहान की कड़ी है, फैसला तुसी लोगों ने लेना कि जुलम के खिलाफ खड़े होना है कि जुलम करने वाले नूं रोकना है कि जुलम नूं बढ़ावा देना है। वो लोग जिहड़े शांति नूं पसंद नहीं करते, वो लोग जिहड़े ये चाहते ने गुंडागर्दी ते बदमाशी करना, धक्का करना, जास्तियां करना। सो मैं समझदा कि अज दा दिन उन्हां लोगां नूं जवाब देता, क्योंकि असी गुंडियां नाल गुंडे नहीं बन सकते, क्योंकि सानू सेवा वास्ते भेजा गया, ना कि सानू लड़ाइयां करन वास्ते। सो जिन्हां नूं किसे प्रकार की कोई जित प्राप्त हुई नहीं, वो हुणे तों ही लोगां नूं धमकाउणा उन्हां लोगां ने शुरू कर लिया। मेरी तमाम लोगों को बेनती है कि अगर शांति चाहते हो, अगर चाहते हो कि तरक्की होवे पंजाब, अगर चाहते हो कि थानू इज्जत मान ते सरकार मिलता रहे, तो तुसी सारे लोग सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल करना। रही गल राजनीतिक दा, म्यार बहुत गिर चुके हैं, मैं गल मानदा अज कई लोग मैच फिक्स करके चुनाव लड़ते। सो करते तो सदियों तो आते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह ही पंजाब ते वो लोग काबज रहे, कदे ओरी वारी कदे ओरी जां किसे दी। सो मैच फिक्सिंग जिहड़ी है वो बड़ा माड़ा गल है, ना केवल मैं किसी व्यक्ति विशेष वास्ते कह रहा, किते भी अगर कोई पंजाब दे विच मैच फिक्सिंग कर रहा है तो मैं समझदा कि इदू माड़ी घटना हो नहीं सकती। ये उस तरह ही मैं लगता है कि जिवें अंग्रेजा दे समय चंद अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज साडे देश ते राज कर रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने पाड़ो ते राज करो की नीति अपनाई, तो कुछ साडी गदार सन, साडी आप दे गदार सन, उन्होंने गदारा की वजह के करके साडा देश और साडे स्वतंत्रता संग्रामिया के उन्होंने शहीदों के मुखबर हो गए, बन गए। तो जो घर दे मुखबरी करन लग पे तो फिर मैं लगता कि वह घर पच नहीं सकता। सो उन्होंने मुखबर के कारण साडा देश जिहड़ा आजाद 1947 होया, लेट होया, जे पहला हो जाना सी देश का जो मुखबर ना होंगे। सो अज भी उस तरह का माहौल है। मेरी थानू बेनती है अजा थोड़ी जी गल अखीरली कहनी चाहना, पते की गल है,
और वध तो वध ये जिहड़ी मेरी वीडियो है मैं बेनती करांगा जलालाबाद बठिंडा ते लंबी इत्थे तुसी देखना है कि ये रले कौन लोग ने केड़े दुश्मन ने जनता दे आपस विच मिले वे ने किते फलां पार्टी की मदद करना चाहते हैं किसी फलां की करना चाहते हैं किते कांग्रेस की कोई करता है किते कोई अकालियां की करता है जिहड़े कई गिदड़बाज अकाली ने बठिंडे च कांग्रसी ने जिहड़े बठिंडे कांग्रसी ने वो गिदड़बाज अकाली ने इदां दा हिसाब किताब चल रहा है चाहे वह कितने भी है मैं सारे को बेनती करा कोई होर हल्के च भी है कोई लंबी जा इधर उधर कांग्रेस पार्टी की मदद आप जो लोग हैं इदा आप विचार करना है कि जिहड़ी पार्टी चंगी है वो वोट पाने पर ऐसे मिले लोगों जिहड़े ऐसे घटिया लोग ने जिहड़े आपस में मिल के चुनाव लड़ते हैं इन्हां नूं बख्शना नहीं और मेरा निशाना खास करके कित्थे मैं कहना चाहना किसी बादल नूं बख्शना नहीं किसी बादल जिथे जिथे बादल चुनाव लड़ रहे हैं ये मैच फिक्सिंग करके लड़ रहे हैं ये आपस में रल के लड़ रहे हैं क्योंकि इंटरनल समझौते च ये करते हैं कि आप जरूर जित जाइए अगर आप जित जावांगे तो चाहे तू राज करी चाहे राज मैं करा फिर साढ़े घर तक कोई पहुँच नहीं सकेगा सो आप इस चीज़ को नंगा करना है नंगा करना है और जिथे जिथे बादल लड़ रहे हैं मेरी बेनती है तुम हाथ जोड़ के सब नूं रगड़ के रख दो रगड़ के अगर अणख और गैरतमंद लोग ता जो ये थोनू बेवकूफ समझते हैं इन्हों दस दिए कि जनता बेवकूफ नहीं है जनता बेवकूफ नहीं है जनता सच से पहरा देगी तो सच्चाई लेके आऊगी अगर दोबारा फिर जो मेरे नाल होया 2019 वो दोबारा फिर किसी नाल ना हो तो मेरी थोनू बेनती है कि बादल कोई जितना नहीं चाहिए ना लंबी च बादल जितना चाहिए ना जलालाबाद च बादल जितना चाहिए तो ना जिहड़ा बादल कितने होर कोई बठिंडे लड़ता वह जितना चाहिए ध्यान रखियो ज्यों मेरे